बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चालू है, जिस तरीके से लगातार दुगनी रफ्तार से कोरोना के नए मामले नजर आ रहे हैं, उसे लेकर अगर बात की जाए तो यूपी में आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 1230 नए मामले आए हैं। वहीं गोवा की बात की जाए पणजी में, तो यहाँ पे 200 नए मामले आए हैं और 62 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए नागपुर में, तो यहाँ 24 घंटे में 2885 नए केस मिले हैं और 58 लोगों की मौत हुई है। राज्य की बात की जाए तो आपको बता दूं जो दूसरी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है वो राज्य है महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब राज्य जो है वो दूसरी लहर का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है। आपको बता दूं कि कुछ राज्यों में, कुछ प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, तो वहीं कुछ राज्यों और कुछ प्रदेशों में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्य के सरकार भी लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो गाइडलाइंस है वो सही ढंग से उपयोग करें, उसके कोरोना वायरस के गाइडलाइंस को ये फॉलो करें। आपको बता दूं जिस तरीके से जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर चालू हुई है ये बहुत ही खतरनाक है और लगातार दुगने रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ रही है। वेल, तब तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।